महाराष्ट्र के भंडारा व मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को जोड़ने वाली तुमसर बपेरा मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। यह मार्ग औद्योगिक व पर्यटन विकास को गति देने वाला साबित होगा। इस राष्ट्रीय महामार्ग के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि तुमसर बपेरा बालाघाट रोड राज्य मार्ग है। इस मार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी निर्माण कार्य विभाग देखता रहा है। विविध अड़चनों के कारण यह मार्ग आवागमन की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं हो पाया है। तुमसर से बपेरा तक सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। बपेरा व मध्य प्रदेश के मुवाड़ बॉर्डर को जोड़ने वाली बावनखड़ी नदी पर एक बदरी पुल है। राष्ट्रीय महामार्ग बनने से नागपुर से बालाघाट की दूरी भी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि नागपुर व विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। नागपुर को टाइगर कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। देश में सबसे अधिक भाग विदर्भ क्षेत्र में है। तुमसर बपेरा बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग पर्यटन विकास को गति देगा। बालाघाट व मंडला जिला सीमा का कान्हा किसली व्याघ्र प्रकल्प नागपुर से सीधा जुड़ जाएगा। तुमसर मोहाड़ी होते हुए पौनी मार्ग से चंद्रपुर को जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इससे चंद्रपुर जिले का ताबोड़ा व्याघ्र प्रकल्प भी कान्हा से सीधा जुड़ जाएगा। रामटेक तुमसर होते हुए रायपुर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय महामार्ग तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के सिवनी बरघाट से बालाघाट को जोड़ने वाली महामार्ग का भी काम चल रहा है। इन महामार्गों के बनने से पेंच अभ्यारण्य रामटेक नवे गाँव बांध चांदपुर का पर्यटन केंद्र के तौर पर विकास होगा। गढ़चिरौली को महाराष्ट्र सरकार ने चावल हब के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश का बालाघाट व सिवनी जिला धान उत्पादक है। इसमें भी बालाघाट का व्यवसाय काफ़ी बड़ा है। नया राष्ट्रीय महामार्ग बनने से बालाघाट गोंदिया भंडारा गढ़चिरौली जिले में चावल उद्योग को गति मिलेगी। तिरोड़ा खैरलांजी कटंगी राज्य मार्ग का लाभ भी नए राष्ट्रीय महामार्ग क्षेत्र विकास के लिए मिलेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।